शहीदों के घर नहीं जाते, एक चीज ये है। आप किस लिए नहीं गए? इसलिए कि उनको कुछ पैसा देना पड़ जाएगा, उनको कुछ मुआवजा देना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? कई ग्रामीण बोल रहे हैं कि अगर रोडमल नागर जी आ गए तो घर में घुसने नहीं देंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये बार बार इस एक ही सवाल की पुनरावृत्ति करना, आप नहीं गए, लोग नाराज हैं। अरे कोई लोग नाराज नहीं है। हार के दम लेंगे आप, अगर हारे तो ही मानेंगे कि लोग नाराज है, ऐसा है क्या? इस राजगढ़ जिले में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे क्या स्थिति थी? हाँ तो मैंने पिछली बार भी बोला था, वो तो नितिन गडकरी जी का काम है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नितिन गडकरी जी का काम है। आपने क्षेत्रीय लेवल पे ऐसे पांच काम गिनवा दीजिए, ऐसे पांच काम रोडमल सांसद नागर जी आप गिनवा दीजिए कि आपने राजगढ़ जिले के लिए आपकी तरफ से किए हो, किसी केंद्रीय मंत्री का हाथ नहीं होना चाहिए उसमें। आने वाले 1.5 से 2 साल में रामगंज मंडी से भोपाल या भोपाल से कोटा आप रेल में बैठ करके जा सकते हैं। ये भी रेल मंत्री का काम गिनवा रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ रोडमल नागर जी ने क्या किया राजगढ़ में। आप मंत्रियों के काम छोड़ दीजिए, आप मैं तो ये बोल रहा हूँ आदरणीय कि रोडमल नागर जी ने व्यक्तिगत तौर पर राजगढ़ के लिए क्या किया, बस मैं तो मेरा इतना सा कहना है। ऐसे पांच काम छोड़ दीजिए, चलिए 2-3 काम गिनवा दिए। अपने गृह शहर पचोर के लिए क्या किया आपने? पचोर के लिए बता दीजिए, सड़कें बड़ी खराब है, मैं चल के आया अभी। अब सड़कें कहाँ से देख ली आपने कि सड़कें खराब है? और मेरे तो गाड़ी गंदी हो गई, अभी मैं बाहर आके कैमरे में दिखा दूंगा आपको। मोदी जी के नाम पे वोट मांग लेते हैं आप लोग। मोदी जी के लिए काम करते हैं हम 24 घंटा, पूरे समय मोदी जी के लिए खड़े रहते हैं, तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, किस नाम मांगेंगे? राजगढ़ के नाम पे मांगिए ना। राजगढ़ का जो युवा है वो आदरणीय सांसद जी बेरोजगार हैं, वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है, और हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम कहाँ पर जाएं? रोडमल नागर जी से पूछिएगा।